माई लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रवीना और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है एक DIY वीडियो। मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में इस DIY प्रोडक्ट को यूज़ भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ आप इस DIY वीडियो को शेयर कीजिए। सो हियर इट इज़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने बहुत से लिप एंड चीक टिंट ऑनलाइन भी देखे होंगे, जैसे कि बेनेटिन का लिप एंड चीक टिंट है जो कि बहुत ही कॉस्टलियर साइट पे है रिलेटिवली टू द फेस शॉप लिप एंड चीक टिंट, जो कि राउंड अबाउट 500 के आसपास। जब आप इसे घर पे DIY बना सकते हैं तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस DIY के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये एलोवेरा जेल। मेरे पास ये पतंजलि की एलोवेरा जेल है। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज दिस रोज वाटर। ये मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज डेली इसको अपने फेस पे स्प्रिंकल करती हूँ, और रोज वाटर गर्मियों में हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे पोर्स को टाइट रखता है जिससे कि हमारे फेस और हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो ये सिंपल रोज वाटर है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसको स्प्रे बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट हमें चाहिए कोई भी आप कटोरी ले सकते हैं, सिंपल ये मेरे पास कांच की कटोरी, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं जिसमें हमें ये सब चीजें मिक्स करनी है। और जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी इस DIY रेसिपी में वो है लिक्विड फूड कलर, रेड लिक्विड फूड कलर। मैंने ये फूड कलर यूज किया है, प्लीज इग्नोर द कंडीशन ऑफ दिस फूड कलर। तो आप कोई भी फूड कलर, जो लिक्विड फूड कलर है आप वो यूज कर सकते हैं। बस हमें एक से दो ड्रॉप इस फूड कलर की चाहिए और हमारा DIY लिप एंड चीक टिंट इज रेडी। और ये बिल्कुल आसानी से नहीं छूटेगा और ये दिन भर आपके लिप्स और चीक्स पे टिका रहेगा और आपके लिप्स और चीक्स को मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम इसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज करेंगे कोई भी एसेंशियल ऑयल। मेरे पास ये रोज हिप का एसेंशियल ऑयल है। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल नहीं भी है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप रोज वाटर ले लीजिए, मैं इसको एज अ रैंडमली पोर कर रही हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इतनी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मैं इतना ले रही हूँ। जेल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इस DIY रेसिपी की कंसिस्टेंसी होगी वो एकदम जेल फॉर्म में होगी। ये देखिए, आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। रोज वाटर और एलोवेरा जेल की जो रेशियो है वो 1:1 होनी चाहिए। ये देखिए एकदम मिक्स हो गया हमारा रोज वाटर और एलोवेरा जेल, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी दिख रही है आपको, थिक थिक सी। अब इसमें हमें क्या करना है, एक से दो ड्रॉप्स हमें रेड फूड कलर के डालने हैं। रेड फूड कलर की जगह आप कोई भी यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट, जैसे अगर आपके पास बीटरूट पाउडर है आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आप बीटरूट जूस है वो भी यूज कर सकते हैं, बट बीटरूट जूस इजीली मिक्स नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करें कि आप रेड फूड कलर ही यूज करें। तो इसे आपने एक दो ड्रॉप्स लेने हैं, दैट्स इट। अब इसमें ऐड कर दीजिए, ये देखिए एकदम रेड कलर आया है। आप इसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और फूड कलर ऐड करके, बट मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, एकदम ना ही ज़्यादा ठीक है ना ही ज़्यादा पतली है पानी की तरह। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कुछ, और आप देख सकते हैं इसका टिंट कितना ही प्यारा आया है। कैमरे पे इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा बट इन पर्सन ये एकदम ही नेचुरल लगेगा आपके फेस पे और लिप्स पे। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल नहीं भी है तो आप इसमें फिगारो का ये ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको यही यूज करके दिखाती हूँ। आपको सिर्फ एक से दो ड्रॉप्स लेने हैं इसमें। That's it. अब आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से।
इससे क्या होगा, ये एकदम मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा, आपके लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ था, ये देखिए ये ऑलरेडी बना हुआ था मेरे पास। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने कंटेनर में। आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉपर वाला कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लिप बाम का कोई कंटेनर है तो आप उसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आप यूज़ करें बॉटल को अच्छे से शेक करके यूज़ कीजिए। एंड हियर इज द लाइव रिजल्ट ऑफ द टिंट। सो आप इसे अपने लिप्स और चीक्स पे एक फ्लश ऑफ कलर के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही DIY वीडियोस मैं इन फ्यूचर लेके आती रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।